आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एफसीआई की वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और कौन कौन सी पोस्ट है, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से जो नोटिफिकेशन में है उसमें बात करेंगे। अब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे, आप किस तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं, क्या डेट है, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में, जो कि हमारी एफसीआई की है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, तो हम बात करते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन पर। एडवर्टाइज नंबर आपको देखने मिल जाएगा, वेबसाइट आप देख सकते हैं www.fci.gov.in है। यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ नेशन इन्वाइट, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर आप देख सकते हैं मेंशन असिस्टेंट जनरल मैनेजर की वैकेंसी है, जिसमें आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल अकाउंटेंट लॉ की एंड मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है इसके बारे में दे सकते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे पोस्ट कोड ए बी सी डी ई, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर आपका अकाउंटेंट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की। यहाँ पे आपकी आपकी जो सैलरी है 60 से 1,80,000 तक है। मेडिकल ऑफिसर में आपको देखने को 50 से 1,60,000 तक की। एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है 30 और यहाँ पे 28, 33 यहाँ पे दे रखी है असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ में, यहाँ पे 35 दे रखी है मेडिकल ऑफिसर में। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने मिल जाए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 89 है, यूआर कैटेगरी में 43 है टोटल, और इकोनॉमी सेक्टर में आपकी जो वैकेंसी है 9 और ओबीसी में 17 और आपके एससी में 6 और एसटी में 14 है। ठीक है, फिजिकल डिसेबल वालों के लिए भी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। यहाँ पे आपको उनके डिपार्टमेंट दे रहे हैं किन किन में आपके फिजिकल डिसेबल है उनकी और की कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बात करेंगे आपकी जो कैटेगरी दे रखी है फिजिकल डिसेबिलिटी वालों की, इसकी यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी और उनके बारे में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एस 1/1/2021 के अनुसार असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट एक ये दे सकते हैं, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं आपको 55% मार्क होने चाहिए ACA, AICA, WAACS या बैचलर डिग्री इन लॉ, 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मिनिमम 55%, असिस्टेंट जनरल मैनेजर BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 55% मार्क, बीटेक डिग्री या BE इन फूड साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव बाई AICTE विद मिनिमम 55%, बीटेक डिग्री या BE डिग्री इन फूड साइंस इन टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग या फूड प्रोसेसिंग या आप देख सकते हैं फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होने चाहिए, जिसमें आपके 55% मार्क होने चाहिए, बीटेक डिग्री या बीई डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपके AICTE विद 55% मार्क होनी चाहिए, या आप देख सकते हैं बीटेक डिग्री इन बीटेक बीई डिग्री फिर बायोटेक्नोलॉजी से इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर आपको देखने को मिल जाएगा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 55% मार्क होने चाहिए। SC ST फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे परसेंटेज रखे गए हैं 50%। ठीक है, 55% की बजाय। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंटेंट की देख सकते हैं एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की होनी चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की यहाँ पे लॉ की देखते हैं आपका पोस्ट ग्रेजुएट डी है, फुल टाइम डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस लॉयर इन सिविल मैटर रिप्रेजेंटिंग इच क्लाइंट इन 3 ईयर केस इन एवरी ईयर 5 ईयर एक्सपीरियंस इन लॉ ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU स्टेट गवर्नमेंट PSU इन IDA इसका आपका 16,000 से लेकर 40,000 तक। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेड पीरियड दे रखा है। मेडिकल ऑफिसर की बात करें EMBBS होना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड एंड कंप्लीट प्रिस्क्राइब हाउस सर्जरी, आइदर कंप्लीटेड द इंटर्नशिप 1962, अंडरगो इंटर्नशिप इंटरमेंट एंड कंपलसरी सर्जरी या पीरियड 1 ईयर, रोटरी हाउस सर्जरी या 1 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ की बात करें 3 साल का एक्सपीरियंस होनी एनी ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन पोस्ट ABCDE
आ रही है वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड इज ओनली एप्लीकेबल है, ठीक है। द प्रिंटेड हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म विल बी नॉट बी इंटरटेन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं रिलेवेंट एक्सपीरियंस शुड बी आफ्टर एक्वायरिंग मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन द रिलेवेंट पोस्ट। तो यहाँ पे रिजर्वेशन और इलेक्शन के बारे में पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल 3 साल का आपको रेस्पेक्टिवली मिलेगा एज में छूट, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट किन केस डिपार्टमेंट एफसीआई के एम्प्लॉय के 50 साल लेगा। अपर एज लिमिट आपका रिलैक्सेबल रहेगा आपका फिजिकल डिसेबल को 10 साल 15 साल आपका एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 13 साल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी है यहाँ पे आप दे सकते हैं आपके फिजिकल डिसेबिलिटी वाली के बारे में। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसीडर ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे होगा। द कैंडिडेट आपको शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू फॉर क्राइटेरिया 50% मार्क ऑनलाइन टेस्ट में होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इकोनॉमी सेक्टर और ठीक है इकोनॉमी सेक्टर और अनरिजर्व कैटेगरी 50% आपका 45% एससी एसटी ओबीसी और पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए आपकी वैकेंसी से 3 गुने ज्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट का आपका 90% और 10% आपका रहेगा इंटरव्यू का। यहाँ पे आप पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट के बारे में दे रखा है तो देख सकते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 ढाई घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। जनरल पैटर्न आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड आपका ये रहेगा रीजनिंग डाटा एनालिसिस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यहाँ पे जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर आपका मैनेजमेंट एंड एथिक्स आपका एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी कंप्यूटर अवेयरनेस। यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर का आपका दे सकते हैं इसका पूरा सिलेबस है या मेडिकल ऑफिसर तक 180 क्वेश्चन रहेंगे ढाई घंटे समय रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड का आपका कॉन्स्टिट्यूटिंग आपका रीजनिंग डेटा एनालिसिस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का 30 मैनेजमेंट एंड एथिक्स के 30 एग्रीकल्चर इकोनॉमी के कंप्यूटर अवेयरनेस के 30 आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन के 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड के 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे नो नेगेटिव मार्किंग है। आप बी सी डी ई के देख सकते 120 आपके रहेंगे, ठीक है। आपका आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन कैरी 1.5 मार्क, ठीक है। रिलेवेंट आपके टेक्निकल डिसिप्लिन के 60 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क रहेंगे तो इस तरीके से आपके विल बी कैरी 180 मार्क होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं द सिलेबस ऑफ स्पेसिफाइड टेक्निकल पोस्ट एसेस द स्पेसिफाइड टेक्निकल नॉलेज रिलेवेंट स्ट्रीम अंडर यहाँ पे आपको दे रखा है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंटोनोमोलॉजी केमिस्ट्री पोस्ट ग्रेड सी की असिस्टेंट जनरल मैनेजर की फाइनेंस मैनेजमेंट टैक्सेशन ऑडिटिंग कॉमर्शियल लॉ बेसिक और कंप्यूटर पोस्ट आपके डी आपके डी की असिस्टेंट जनरल लॉ आपकी मैनेजर लॉ की यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका प्रोसीज्यूजर और लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आप इसको ईजिली देख पाए। तो यहाँ पे आपका ये आ रहा है तो उसे आप इसको फोटो भी कह सकते हैं या स्क्रीन शॉट दे सकते हैं मैं जब बड़ा बड़ा कर रखा है तो यहाँ पे आप इजिली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका भी सिलेबस का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करके मैं स्लोली स्लोली मूव ऑन करता हूँ तो ये आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ये असिस्टेंट में आपका मैनेजर का है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट का आपका आपका कोर्ट सी का है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट कोर्ट का आपका सिलेबस देखने को मिल जाए। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप और भी ये सिलेबस है इसको देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट कोड ई का है मेडिकल जनरल मेडिसिन का है आप इसको सिलेबस देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है, इधर की साइड कर देता हूँ और ये आपको सिलेबस देखने मिल जाएगा। जनरल सर्जरी का आपका गायनोक ऑब्स्टेट्रिक का फैमिली प्लानिंग का बाकी इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के यहाँ पर है तो यहाँ पे देख सकते हैं ABCD के आपको जो मैं बता चुका हूँ 1/3 के रेशियो में बुलाया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन आपको दे सकते कैंडिडेट कैन अप्लाई Only one for the पोस्ट ABCD आपके एक पोस्ट के लिए एक जना आवेदन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट एडवाइस टू इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं जॉब डिस्क्रिप्शन पे मेंशन करें यहाँ पे कॉल लेटर आपको उसकी जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी, ठीक है। SMS या ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल एंड नो चेंज विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो भी आप यहाँ पे भरेंगे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका एज क्राइटेरिया है एजुकेशन है आपका नेशनलिटी है तो यहाँ पे इसको बारे में पढ़ लें। तो यहाँ पे आपको एक बार सबमिट करने के बाद कोई भी चेंज करने को नहीं दिया जाएगा। बड़ी सावधानी पूर्वक आपको इस फॉर्म को फिल करना है। सबमिट करने से पहले एक बार सारी जानकारी चेक कर लें डॉक्यूमेंट के अनुसार मैच कर लें नंबर है एज है नाम है कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। आपकी कैटेगरी तक जो भर रहे हैं वो ही उसी के अनुसार रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
आपको देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में भी ब्रॉड टू ए नोटिस यहाँ पे 3 डे होल्डिंग एग्जामिनेशन रिप्रेजेंटेटिव रिसीव देयर आफ्टर नॉल बी इंटरटेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेट वाइज लिस्ट एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको दे सकते हैं, स्टेट वाइज एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी, लिस्ट आ रही है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपके सब स्टेट रोड में लगभग सब स्टेट कवर किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन के बारे में दे रखा है, डिटेल गाइडलाइंस फॉर प्रोसीजर यहाँ पे आपको दे रखा है, उसके बारे में यहाँ पे आपको दे सकते हैं। जैसे इसका ये फॉर्म आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। एप्लीकेशन फी जो कि नॉन रिफंडेबल है, पेमेंट फी ऑनलाइन 1 मार्च से आपको 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख रखा है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है वो दे सकते हैं। एप्लीकेशन फी 1000 रुपए रहेगी। ठीक है, यहाँ पे स्कैनिंग डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल दे रखी है, मैं अलग से इसके ऊपर पूरी जानकारी दे दूंगा किस तरीके से करना है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट आपकी जो दे रखी है 31 तारीख आ रही है मार्च 2021। अवेलेबिलिटी कॉल लेटर 10 दिन प्रियर वो अनाउंस द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ ऑनलाइन आपका टेस्ट है जो कि जून मंथ आपके जो मंथ ऑफ जून या मई में हो सकते हैं। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा किस तरीके से करना है, यहाँ पे इसकी डिटेल एक एक करके आपको मैं समझा दूंगा कल। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये वीडियो था आप लोगों के लिए FCI की वैकेंसी जो निकली थी उसके लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी मैंने बताई। कल मैं इसके जो फॉर्म भरने की जो प्रोसीजिंग है जो रहेगी उसके बारे में एक एक करके जानकारी दे दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए और वीडियो देने।